हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अपटी टॉक्स। आज की वीडियो में हम अपने पहले तो मार्केट जाना है प्लांट खरीदने के लिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो पहले डोरेमोन आया हुआ है, ये हमें फेस्टिवल के बारे में बता रहा है कि दो दिन बाद फेस्टिवल है जिसमें सब एक दूसरे को कुकीज देनी होती हैं। हमारे जो फ्रेंड्स होंगे जिन से हम रोज़ाना मिलते होंगे उनके हार्ट अच्छे होंगे, हार्ट पॉइंट अच्छे होंगे, वो हमें कुकीज़ देंगे और या फिर हम दूसरों को कुकीज़ देंगे ताकि उनके हार्ट पॉइंट अच्छे हों, अगली दफ़ा वो हमें कुकीज़ दें। अब कुकीज़ हम हमारे घर छोटा लें, इसमें किचन नहीं है। जब हम बड़ा घर बनाएंगे उसमें किचन भी होगा जिससे फिर हम मार्केट से रोल पिन खरीद के तो कुकीज़ बना सकेंगे। तब सबसे पहले तो हम पौधों को पानी देंगे जो हमारा रोज का काम है। ये पानी दे दिया और ये पिछले जो चार पौधे हैं टर्निप के, ये शायद उग जाएंगे आज पानी देने की वजह से, तो आज इनको उगा के आज बेच देंगे जिनका प्रॉफिट हमें कल मिल जाएगा। और ये घास को भी पहले पानी देते हैं। घास बहुत आहिस्ता उग रही है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, उगते तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, 10 या 8 दिन हो गए हैं, घास अभी तक उगी नहीं है। पानी ख़त्म हो गया, पानी पहले भरते हैं उसके बाद इनको बेच के मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए। ये मार्केट पहुंच गए हैं, अब जाने लगे हैं, अभी ये बेचते ये टर्निप। ये हम मार्केट का रास्ता जो जाता है शहर की तरफ जाता है रास्ता, शहर में जनरल स्टोर है, मगर ये कोई सीन आ गया है, स्किप सीन। ये वो तुम्हें बुला गया, ये हमें कह गया आज गर्मी बहुत है, वो पूछा तुम किसी दोस्त के साथ रहते हो, हमने कहा नहीं सिंगल रहते हैं, तो फिर कहती है कि तुम हार्वेस्ट गोट से क्यों नहीं मांगते, गोटनेस से प्रेइंग क्यों नहीं करते। हम उससे गोटनेस के बारे में पूछें कि हार्वेस्ट गोटनेस क्या चीज़ है, तो क्या आइया एक बहुत खूबसूरत सी औरत है जो एल्डर ट्री के पास रहती है, और मेरे ख्याल से एल्डर ट्री वही है जो हमने जब माउंटेन में गए थे तो तब हमने देखा था, बड़ा सा जो ट्री था वो हम उसी के बारे में बता रही है, हार्वेस्ट गोटनेस के बारे में और एल्डर ट्री के बारे में। लोकेशन बताइए आप, इसके बाद शायद हम वहाँ जाएं एल्डर ट्री के पास जाएंगे देखने। और ये क्या है, हार्वेस्ट सीजन जो है आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलो अब हम चलते हैं इसके बाद वहाँ हार्वेस्ट गोटनेस देखने चलते हैं। ये हमारे दोस्त शायद डोरेमोन, हमारे दोस्त आ गए हैं सब, जो शायद ये भी हार्वेस्ट गोटनेस देखने आए हैं, वो जो रावी थी उसके कहने पे। यहाँ ये भी वही कह रहे हैं कि हम मिलके चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। तब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ हार्वेस्ट गोटनेस रहती है, और ये शायद हार्वेस्ट गोटनेस है। वो कह रहे हैं कि गुड डोरेमोन कह रहे हैं देखो वहाँ कुछ है, तो नोबिता कह रहा है ये हार्वेस्ट गोटनेस है। अब नोबिता से पूछे तुम कौन हो, वो पूछिए तुम कौन हो। डोरेमोन साइड में ला रहा है, कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ये हार्वेस्ट गोटनेस है। नोबिता कह रहा है उसने ड्रेसिंग ऐसी की हार्वेस्ट गोटनेस जैसी। अभी उससे पूछेंगे, ड्रोमन कह रहे हैं कि हम उसी से पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो। उसका नाम वीगा है, हार्वेस्ट गोटनेस का नाम। वो ताइए तुम यहाँ रहते हो, वो नोबिता कह रहे हमें यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, वो ले आया था इस जगह पे,
और जानता है कि हमारे दोस्त डोरेमोन का कहना है कि ये टाइम ट्रेवलिंग की वजह से हम किसी पास्ट में आ गए हैं। और नोबिटा कह रहा है कि क्या तुम हमें पहुंचा सकती हो वापस हमारी जगह में, तो वो कह रही है नहीं मैं भी तूफान की वजह से स्टक हो गई हूँ, मेरी पावर वगैरह नहीं है मेरे पास अब। वो कह रही है कि मैंने कुछ साल पहले ये दरख्त उगाया था और अब ये दरख्त जब भरा हुआ तो ये ओवरलोड हो गया और अब कंट्रोल नहीं होता। और जियान सुनियो कह रहे हैं कि नोबिटा की गलती है, हम भी बड़े दरख्त की वजह से इस जगह पे आए हैं। तो ये कह रही है जिस दरख्त की वजह से तुम इस जगह पे आए हो वो एल्डर ट्री था। अब सुनियो नोबिटा से ला गया कि नोबिटा की गलती है, नोबिटा ने वो दरख्त का फीड ला के दिया था इन लोगों को। वो कह रही है चार चीज़ों की वजह से तुम वापस जा सकते हो, एक जो थिंक कम टू है, एक फ्यूचर को देखना, बाकी दो चीज़ें हो गया। तो अब डोरेमोन कहेगा कि मैं अपने गैजेट की, ये डोरेमोन को कह रहे हैं कि डोरेमोन अपने गैजेट की वजह से ये सब चीज़ें सही कर सकते हैं, यानी फ्यूचर टीवी की वजह से देख सकते हैं। एक गैजेट होता है जो थिंग्स कम टू कर देता है, यानी चारों गैजेट डोरेमोन के पास मौजूद है। ऐसा लग रहा है डोरेमोन कह रहा है कि वो अपने गैजेट गुम चुके हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो कह रहा है शायद मैंने ये वाला पहला गैजेट जो पहली पावर हमें दे सकता वो घुमा दिया, अब दूसरी पावर भी जो है वो भी घूम गई है। और अब फ्यूचर टीवी डोरेमोन का जिसे हम फ्यूचर टीवी देख सकते हैं वो भी घूम गया, यानी डोरेमोन के गैजेट टाइम ट्रैवलिंग की वजह से घूम चुके हैं और पावर ऑफ नेचर भी घूम चुका है, यानी चारों गैजेट घूम चुके हैं। अब हम अगर वो गैजेट ढूंढ लेते हैं तो हम वापस जा सकते हैं टाइम ट्रैवलिंग करके अपने दौर में वापस। अब वो उसको बता रहे कि डोरेमोन रोबोट है जो बाई सेंचुरी से आया है। तो हमारा एक ये भी काम है कि डोरेमोन को गैजेट को ढूंढना ताकि ये चारों लोग वापस जा सकें। वो कह रही है अगर ये पावर मिल जाती हैं फिर हम ये लोग वापस अपनी दुनिया में जा सकेंगे। ये कह रहे हैं कि हम डोरेमोन के गैजेट पहाड़ों में जंगलों में हर जगह ढूंढेंगे। और फिर अब ये सोच रहे हैं कि हमने कैसे कैसे गैजेट ढूंढने। अब यहाँ से हम सवूश फॉल से हम वापस जाएंगे अपने फार्म में, फिर वहाँ से मार्केट जाएंगे। ये रास्ता जाता है हमारे फार्म की तरफ, शायद नहीं ये रूट पाथ की तरफ जाता है। यहाँ से मार्केट का रास्ता देख अपने फार्म का रास्ता देखना ताकि हम मार्केट में दोबारा जाए। यहाँ से सीधा जाके नीचे हमारा फार्म है, फिर वहाँ से विलेज की तरफ जाएंगे जहाँ से हमने अपने बीज खरीदने हैं। तो पहले जाके मार्केट से सामान बीज ले आते हैं, उसके बाद उनको बो के तो सो जाएंगे। हम टाउन की तरफ जा रहे हैं, ये फार्म एरिया में पहुँच गए हैं, यानी वेस्ट टाउन में। अब ईस्ट टाउन में मार्केट का एरिया, डोरेमोन से बात करते हैं। अब हम पहुंच गए मार्केट आज क्लोज है, हम गलत टाइम पे आ गए, आज के दिन मार्केट क्लोज होती है। तो हम सो जाते हैं घर जाके, कल के दिन यानी अगली वीडियो में हम मार्केट में आएंगे। तो जल्दी से पहले हम घर चलते हैं, उसके बाद जाके सो जाते हैं, फिर अगली वीडियो में हम मार्केट की तरफ आएंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।